कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर का। देखिए, एक सब्जेक्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसके बेसिस पर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हाँ, आपने ठीक सुना कि डेटा स्ट्रक्चर के बेस पर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट है वो कभी भी अकेले नहीं पढ़ा जाता, वो हमेशा किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ पढ़ा जाता है। हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी पढ़ेंगे। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, जो आपने लास्ट ईयर या सेमेस्टर के अंदर जो आपने सी लैंग्वेज पढ़ी थी उसको हम यहाँ पर ईजिली यूज़ करेंगे। और यूज़ करने के बाद अपने डेटा स्ट्रक्चर में जितने भी हम लोग एल्गोरिथम बनाएंगे उन चीज़ों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको सबसे पहले कुछ सी की प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा और उसके बाद हम उसको डेटा स्ट्रक्चर में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। सभी बच्चों को चाय पीना, कॉफ़ी पीना हो सकता है बहुत ज़्यादा पसंद हो। देखिए, चाय बनाने के जो मेथड्स होते हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, उस टेक्निक के बेस पर आप चाय बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट चाय बनाना शुरू कर दिया। आपको बताया जाता है कि आपको चाय बनाने के लिए ये काम करना है, फिर ये काम करना है। तो वन बाय वन स्टेप्स जो आपके हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक एल्गो बना के दिखाएंगे, एल्गो का स्टैंडर्ड बना के दिखाएंगे कि कैसे स्टैंडर्ड बनता है। चलिए हम देखते हैं कैसे हम एल्गो का स्टैंडर्ड बनाते हैं। आपको सबसे पहले याद रखना है, हमेशा जो बात होगी वो स्टेप में होगी। स्टेप वन हमेशा स्टार्ट होगा, स्टार्ट के बाद स्टेप टू रहेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे इनिशियलाइजेशन, स्लैश करके आप लिखेंगे डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आप लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जितना भी आपका डिक्लेरेशन है, इनिशियलाइजेशन है, वो सब आप यहाँ काम कर दीजिएगा। देन उसके बाद स्टेप थ्री रहेगा, आपको कोई ऑपरेशन कराना है तो यहाँ पर आप अपने ऑपरेशन को करा लीजिए। कोई टास्क परफॉर्म कराना है वो भी आप यहाँ करा लेंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पर देंगे रिज़ल्ट। रिज़ल्ट जो भी आपका रिज़ल्ट होगा उसकी कंडीशन में आप यहाँ पर अपना आसानी के साथ रिज़ल्ट डाल देंगे। रिज़ल्ट के बाद जब आपका एल्गो ख़त्म होगा तो लास्ट स्टेप हो सकता है आप यहाँ पर यूज़ करेंगे एंड। आप यूज़ कर सकते हैं स्टॉप, आप यूज़ कर सकते हैं एग्ज़िट, इनमें से कोई भी चीज़ आप आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये एक बेसिक मेथड है जिसके बेसिस पर आप अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एल्गो लिखते हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम एक प्रोग्राम बनाएंगे सबसे पहले और उसके बाद हम उसका एल्गो जनरेट करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सी में हम लोग यहाँ पर प्रोग्रामिंग करेंगे। तो आप यहाँ सबसे पहले दो हेडर फाइल लगा लीजिए। stdio.h है आपकी और सेकेंड नंबर पर है आपकी conio.h। देन उसके बाद मेन मेथड बनाएंगे, क्लियर करेंगे स्क्रीन को और फिर आप अपना printf करके एक मैसेज यहाँ पर, कोई भी मैसेज, आप कोई भी प्रिंटिंग मैसेज यहाँ डाल सकते हैं, वो आप यहाँ दे देंगे। सबसे पहले आपने सी में भी यही प्रोग्राम बनाया था। अब बात यह है कि इस प्रोग्राम को बनाने से पहले क्या एल्गो डिज़ाइन किया गया होगा, हम उसको यहाँ पर देखेंगे। हमारा मोटिव या प्रोग्राम समझाने का नहीं है, हमारा मोटिव है कि हम इस प्रोग्राम के बेसिस पर एल्गो बना रहे हैं। एक्चुअल में हम लोग उल्टा चल रहे हैं, पहले हमने प्रोग्राम बना लिया और उसके बाद फिर हम क्या बनाने वाले हैं, एल्गो बनाने वाले हैं। आगे चल के क्या होगा, हमें एल्गो बनानी है और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को जनरेट करेंगे। सबसे पहले एल्गो में आप स्टेप लिखेंगे, स्टेप वन स्टार्ट। देन उसके बाद स्टेप टू में आएंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपका कोई भी डिक्लेरेशन नहीं है। अगर आपका कोई डिक्लेरेशन नहीं है तो इसका मतलब ये वाला जो आपका स्टेप है ये आएगा ही नहीं। ऑपरेशन से मतलब होता है कि अगर आप कुछ ऑपरेशन करा रहे हैं तो आप अगले स्टेप में लिखेंगे, बट आपने यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले कराया है तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग में दे सकते हैं डिस्प्ले मैसेज।
अब यहाँ पर आप प्रिंटिंग स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटिंग स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे दो चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है, या तो प्रिंट या फिर डिस्प्ले। आपने कहा डिस्प्ले, और इन्वर्टेड कॉमा में आप देना चाहें तो दे दें, सिंगल इन्वर्टेड में भी दे देंगे तो भी कोई इशू नहीं है। आपको ये डिफाइन करवाना है, आपको बताना है कि डिस्प्ले क्या होगा, हेलो डिस्प्ले हो जाएगा। देन उसके बाद, इसके बाद आप देख रहे हैं कोई भी ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्टेप थ्री और यहाँ पे आप एंड कर देंगे, एंड स्टॉप एग्जिट, जो आपका मन करे आप वो कर दीजिएगा। देखिए हम एल्गो बना रहे हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि चाय बनानी है तो ये चीज़ों की प्रोसीजर है, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ लेकर के आइए। मैंने कहा यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करते हैं, यहाँ दो हेडर फाइल लगा रखे, हेडर फाइल लगा रखी है, यहाँ पे हमने कोई हेडर फाइल नहीं लगाई। हमने सिर्फ यहाँ पे टेक्निक बताई है यूज़ करने की, कैसे इसको बनाना है। आपने कहा क्लियर करना है, यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्लियर करने का। अंडरस्टूड है कि आप कुछ काम करेंगे तो पहले वाली फाइलों को यहाँ पे क्लियर करके काम करेंगे। देन उसके बाद जो ऑपरेशन आपने कराना है वो आपने यहाँ पे करा दिया, कोई मैसेज डिस्प्ले कराना है वो आपने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। देन गेट सी एच किया, यहाँ पे गेट सी एच का कोई रोल ही नहीं है। गेट सी एच आपको अपनी प्रोग्रामिंग में करना है, ना कि अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर करना है। देन यहाँ पे आपने एंड कर दिया क्योंकि आपका प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो गया। इस बात को सिर्फ इतना सा क्लियर करना है कि एक प्रोग्राम लिखना होता है, प्रोग्राम लिखने से पहले आपको एल्गोरिथम लिखनी पड़ती है। पहले आपको एल्गो लिखनी पड़ेगी, देन उसके बाद आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। अभी मैंने क्या किया, पहले प्रोग्राम बनाया फिर एल्गो लिखी। अभी हम थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर हम एक वेरिएबल्स को यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे और उसका एल्गोरिथम में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सपोज़ करिए यहाँ पे हमने दो हेडर फाइल लगाया, मेन मेथड हमने यहाँ बनाया, और एक वेरिएबल ले लिया, क्लियर किया। देन आपने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी 10, और एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट डाल करके आपने वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। अब इसका एल्गो कैसे बनाएंगे आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स का भी यूज़ है, वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और उसके बाद उसको डिस्प्ले करा रहे हैं रिजल्ट में। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे स्टेप वन स्टार्ट, देन स्टेप टू। आपको स्टेप टू में बताया गया है कि आप इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं और डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पे लिख दिया कि हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेरेशन कर रहे हैं और इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि आप लोग क्या यूज़ करने वाले हैं। आपको बताया गया यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल यूज़ करना है, तो आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि वी हैव यूज इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे कि वेरिएबल का नाम क्या है, क्या नाम है, वेरिएबल नेम इज ए, क्योंकि आप इसको ध्यान में रखते हो बना में, आप पे डिपेंड करेगा कि आप यहाँ ए नाम रखना चाहते हैं, बी, एक्स, वाई, जेड, जो आपकी मर्जी आप वो नाम रख सकते हैं। अभी हमने क्या किया है, डायरेक्ट वैल्यू ए के पास हमने यहाँ असाइन कर दी है। देखिए ये जो सिंबल होता है प्रोग्रामिंग में, ये सिंबल प्रोग्रामिंग में होता है इनिशियलाइजेशन ऑपरेटर, बट अगर हम यहाँ एल्गोरिथम में बात करें तो ये वाला सिंबल हमारे लिए होता है इक्वल का, यानी कि कोई चीज़ इसके बराबर है। और इसमें क्या होता है कि 10 इसके अंदर स्टोर हो गया, और यहाँ क्या कह रहे हैं कि ए की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है। तो फिर हम लोग वैल्यू कैसे इंसर्ट करेंगे, तो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर एक लिखना पड़ता है सेट ए इक्वल्स टू 10। इसका मतलब है कि ए की जो वैल्यू है वो 10 जा कर के स्टोर हो गई है हमारी। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है, ये वाला काम हमारा यहाँ पर कम्प्लीट हो गया। क्लियर का कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है, वो अंडरस्टूड है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप इस एल्गोरिथम को लिखने के बाद C++ में काम कर रहे हो, जावा के अंदर आप काम कर रहे हो। अभी हम लोग
जावा की वेब सीरीज़ हमारी चल रही है, उसमें भी हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग से पहले हमारे माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर ये रहता है कि हम लोगों को काम कैसे करना है, किस तरीके से हम लोगों को वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, प्रिंटिंग स्टेटमेंट करनी है। तो हमने यहाँ पर हम पहुँचे स्टेप थ्री के अंदर, हम पहुँचे, हमने लिखा यहाँ पर डिस्प्ले वैल्यूज़, या रिज़ल्ट भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी, आप रिज़ल्ट डाल लीजिए अगर रिज़ल्ट है तो। ऑपरेशन है तो आप यहाँ पे कोई ऑपरेशन डाल दीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, इससे पहले वाले एल्गो में हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने डिस्प्ले लिख दिया था। डिस्प्ले का मतलब भी होता है कि आप वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, और प्रिंट का मतलब भी यही होता है। तो हम लिखेंगे PRINT, एफ नहीं लिखना है, प्रिंट एफ तो सी में यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमने कमांड यूज़ करी प्रिंट की। आप चाहें तो इस पी को कैपिटल भी बना सकते हैं, क्योंकि जब आप लोग स्मॉल बनाते थे तो मैं आपको टोकता था कि भाई स्मॉल नहीं बनेगा, कैपिटल बनेगा। नहीं, डेटा स्ट्रक्चर में उल्टा होता है, क्या होता है, प्रिंट एफ में स्मॉल बनता है सी लैंग्वेज के अंदर, और यहाँ आप कैपिटल भी बना सकते हैं। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा ए इक्वल्स टू, और नॉर्मल तरीके से ए लिख देंगे तो उसकी वैल्यू जो है यहाँ पर आकर के डिस्प्ले हो जाएगी। देन उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे एंड, क्लियर हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एल्गोरिथम बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। एल्गोरिथम हमें कैसे बनानी है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एल्गोरिथम हमने यहाँ पे देखी, देखने के बाद फिर हमने यहाँ पे देखा प्रोग्राम किस तरीके से बनाते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर प्रोग्राम ऑलरेडी चलता रहता है, प्रोग्राम ऑलरेडी हमारे ब्रेन के अंदर चलता रहता है, इसकी वजह से हम एल्गो बना पा रहे हैं। पर हम लोगों को उल्टा सोचना है, पहले हम लोगों को एल्गो बनानी है, और एल्गो बनाने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। देन आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही, और आगे हम इसी टॉपिक को अपने कंटिन्यू करेंगे अपनी वेब सीरीज़ में। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होगा इसका सी के अंदर। थैंक यू।